अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। और यहाँ का मेरा व्लॉग सुबह का स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा सुबह भी नहीं हो रही। नाश्ता वगैरह करके निमट चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। और झाड़ू पोछा मोनिस ने किया था इसलिए नहीं दिखा पाई, उसने मना कर दिया था। मैं करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ बस मैंने वाश बेसन साफ़ कर लिया है, बाथरूम का शीशा साफ़ कर लिया है, क्योंकि 2 या 3 दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे इसे करने का। आज हो चुका है। हाथ और मुंह धोऊंगी। ये कमरा भी मैंने साफ कर दिया है, देखिए सारा सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा और इधर का भी साफ कर दिया है। ये देखिए झाड़ू पोछा सारा हो चुका है, कमरा बिल्कुल साफ है। ईशा टीवी देख रही है अभी, ईशा टीवी देख रही है अभी। नाश्ता नहीं हुआ है, मोरिस नाश्ता बना रहा है। 11 बज रहे हैं, पूरे 11 बजे हैं इस टाइम। देखिए 11 बज चुके हैं, झाड़ू पोछा हो गया है, हाथ मुंह धोकर उसके बाद मुझे अपना वीडियो शूट करना है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। पता नहीं क्यों इतनी सूजन आ गई, पहले तो कभी नहीं आती थी, अब ज़्यादा होने लगा मेरे फेस पे। ये देखिए इसकी वजह से ही डॉक्टर के जाना पड़ता है मुझे, और अभी आराम नहीं मिल रहा है स्वेलिंग में। टेस्ट वगैरह करा लिए हैं, देखो रिपोर्ट कब आती है। ये शीशा भी साफ नहीं किया यहाँ से मैंने, झाड़ू पोंछा तो कर लिया था मैंने, दिखाया ही नहीं आपको, तो ऐसे ही कर लिया था क्योंकि 2-3 दिन से बहुत गंदा हो रहा था। मैं सुबह ही चली जाती थी डॉक्टर के, तो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। बाहर का बिल्कुल साफ़ है जी, ना बिल्कुल साफ़ कर दिया है, एकदम से धो दिया है मैंने यहाँ से। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज का वेदर धूप वगैरह नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है एकदम से। और जो कल हॉस्पिटल से आई थी वो कपड़े मैंने धो दिए थे, ये देखिए ये कपड़े सूख रहे हैं मेरे, सारे कपड़े मैंने धो के बाहर ही डाल दिए थे। हॉस्पिटल से आते ही नहा लेती हूँ। चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, अपना फेस को क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा चिपचिपाहट सी लग रही है, गर्मी है तो। बाय बाय। तो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हो फेस वॉश कर रही हूँ मैं अपना, तो मैं इसी से करती हूँ, 1 महीना हो गया मैं इसे यूज़ करते हुए, बहुत अच्छा है ये वाउ का। तो इसमें ये ब्रश दिया गया है इसके ऊपर, तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाती है, जो हमारी स्किन पर डैट वगैरह जम जाती है अच्छे से क्लीन कर देता है, तो बहुत अच्छा है ये। और आइज़ के एरिए वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। और इसमें नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन्स, नो सल्फेट्स, नो कलर, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है। और ये 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है। ये देखिए हमारी स्किन आजकल गर्मी, गंदी वाली गर्मी चल रही है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। तो मैंने purple.com से बाय किया था, 300 में आया था, आप लोग भी बाय कर सकते हैं इस टाइम, तो वहाँ पे सेल चल रहा है। ये मेरे फेस ने बिल्कुल क्लीन कर दिया, अब धोने के बाद खुद भी देखेंगे फ़र्क, मुझे खुद फ़र्क नज़र आता है। तो मैं तो रोज़ ही जाती रहती हूँ बाहर डॉक्टर वगैरह के, तो मुझे बहुत मेरा फेस साफ़ हो गया है इससे। तो देखिए इसके ऊपर जो ब्रश है उसका एक कैप किया हुआ है, उसे आसानी से लगा के अच्छे से कवर करके रख दो उसको, आप ही बाय कर सकते हो। ये देखिए मुंह धो लिया मैंने, कितना क्लीन हो गया इससे, बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम से साफ हो जाता है फेस। तो ये देखिए स्किन केयर करूँगी, उसके बाद एक वीडियो शूट करूँगी मेकअप की, वो मुझे ईद पे करनी थी मगर मैंने की नहीं है। अगर मैं ईद पे तैयार होती तो उस तरीके से होती, तो वैसे ही आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल निकालूंगी। गाइज आप लोग ज़रूर देखिएगा, तन्नू मेकअप ट्यूटोरियल का है मेरा चैनल। तो चलिए बाय बाय। ये नाश्ता हो रहा है ईशा का भी, देखिए मैं खाऊंगी मैं भी सॉस। ये क्या है? पाव भाजी, पाव। इसमें ना अंडा फ्राई करके लगाया इसने सॉस लगा के, बस उसी को खा रही है नाश्ते में। और 11:30 बज रहे हैं, इनका नाश्ता चल रहा है अभी, ये लेट ही सो गए हैं।
जल्दी नहीं उठो। अच्छा रोज उठ जाते हैं ना हम लोग, तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, पता नहीं किस टाइम उठते हैं, तो इनका पता ही नहीं है मुझे। तो ये खा के अपना जल्दी से रखो। बाल अभी गीले हैं, नहाई थी, देखिए थोड़ा थोड़ा गीले हैं, अभी ऐसे ही कर रखा है मैंने, अभी मैंने कॉम नहीं किया है, बाल काटूंगी क्योंकि मैं सुबह ही नहाई हूँ। तो यहाँ गाइज मैं अपनी अलमारी को साफ़ कर रही हूँ। साफ़ क्या कर रही हूँ, दो तीन दुपट्टे निकाले हुए थे मैंने, एक हिसाब ट्यूटोरियल निकाला था तो वही रख रही हूँ तय करके, और जब निकल जाते हैं तो बस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हीं को मैं रख रही हूँ यहाँ पर संभाल संभाल के, क्योंकि फिर बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं जाते हैं तो उनको उनकी जगह पर रख रही हूँ मैं। बस ये हो गया है, और ये दुपट्टा रेड कलर का बनाया था मैंने, इसके चारों तरफ मैंने ये लेस वगैरह लगाई थी, पल्स वाली मोती वाली जो बोलते हैं, जिसको 10 रुपये मीटर आई थी और 5 रुपये मीटर वाली ये ऊपर वाली आई थी, इन दोनों को मैंने मिला के बहुत अच्छा सा इसका बॉर्डर बनाया हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस टाइम तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ नहीं मिल सकता, ये बहुत पहले का बना हुआ था। इसके साथ में एक लहंगा भी बनाया है, उस पर भी जल्दी मेकअप ट्यूटोरियल आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बस उन्हीं को रख रही हूँ तय कर करके, देखिए कैसा लग रहा है। और ये वाला गाउन था जो ईद पे पहनना था मगर नहीं पहन पाई, क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब थी, बहन की भी तबीयत ख़राब थी, कहाँ पहन पाई थी, मन ही नहीं हुआ था। और ये इसका पूरा लुक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गाउन है ये, जॉर्जेट का ही बनाया था, और ये ऊपर से नेट वगैरह लगा के मैंने घर में ही सिला था, कपड़ा रखा हुआ था तो मैंने बना लिया था, ये कलियाँ काट के मैं खुद ही बना लेती हूँ, कोई भी कपड़ा वगैरह हो कुछ भी हो तो उसमें से अपने कपड़े वगैरह मैं तो खुद ही सिल लेती हूँ, ज़रूरत ही नहीं होती मार्केट से लाने के लिए। तो आप बताइएगा कैसा लगा मेरा गाउन, ये आउटफिट मेरा। यहाँ मैं इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ, तो दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, चारों तरफ मैंने अच्छे से लेस वगैरह लगाई है, और जो सूट में पिंक कलर का लगा हुआ है इसमें वैसे ही कलर का दुपट्टा बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लगता है इसका कंट्रास्ट। और चारों तरफ मैंने दुपट्टे की भी लेस वगैरह लगाई है तो ये अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा दुपट्टा है ये। और बस तय करके रख रही हूँ, निकाल के रखा है, इस पर मैं अभी मेकअप ट्यूटोरियल निकालूंगी। तो गाइज़ यहाँ मैं आप लोगों को अपना कुर्ता दिखा रही हूँ, आप बताइएगा कैसा लगा ये। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मुझे तो पसंद आया है, और इसमें फिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, लगता है कि जैसे मेरे ही साइज़ का बना हुआ है। तो मैं इसको आप दिखा रही हूँ, मेरे पास ऑरेंज कलर का प्लाजो भी है और दुपट्टा भी है, वो मैच हो जाएगा, यही लेकर आए थे मेरे को इससे एक दिन पहले चांद रात को, मगर पहना नहीं क्योंकि इसकी ना आगे की लेंथ ही कम है, पीछे की ज़्यादा दी हुई है, तो इसको मैं अपने ही फिटिंग का करके, अपने फिटिंग का क्या बस लेंथ को ही सही करना है, क्योंकि आजकल अजीब अजीब से डिज़ाइन चल रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं अपना पूरा इसको लिटा के दिखा रही हूँ, तो इसमें बीच में डोरी दी हुई है जो कमर के साइज़ की है, तो उसको खींच के छोटा कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और इतना अच्छा कलर लग रहा था, इसमें डोरी दी हुई है और देखो इसमें लटकन कितनी अच्छी दी है, पल्स वगैरह अच्छे वो नग वगैरह लगे हुए हैं इसमें, तो बस इसी की कर रही थी, इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसको नीचे का उधेड़ के पीछे वाला साइड मैं इसको कर लूँगी, मैं खुद ही करती हूँ, किसका इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा बस, तो उसको परेस वरेस से फिर सेट करके आराम से लगा दूँगी। कंठी वाला गला है ये, गले पे भी अच्छी वो लगी हुई हैं लुपियाँ वगैरह, तो इस पर मैं बटन लगाऊंगी, मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर, ये देखिए पीछे का लेंथ कितना लंबा दिया हुआ है, आगे का शॉर्ट दिया हुआ है, इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। कलर भी फैब्रिक भी बहुत हल्का वाला है, गर्मी वाला है ये, तो अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे फूल भी बने हुए हैं, कलर भी बहुत अच्छा, गर्मी के हिसाब से डार्क कलर नहीं है तो मुझे बहुत पसंद आया, वैसे मुझे ऑरेंज कलर पसंद नहीं है इतना, मगर ये अच्छा लगा मुझे कलर, लाइट कलर है ना, डार्क है ना लाइट है, प्यारा कलर है ये। तो गाइज ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल जो निकाला था उसके लिए तैयार हुई थी, तो आप ज़रूर देखिएगा तन्नू मेकअप ट्यूटोरियल पर, बताइएगा कैसा लगा है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दिया करो यार, यार लाइक नहीं करते हो, लाइक करने का क्या जाता है आप लोगों का, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बताइए कैसा मेरा आउटफिट लग रहा है पूरा। और ये सेट वगैरह मैं अपने मालवे नगर मार्केट से लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, बस अपने बैंगल्स वगैरह यहाँ उतार के रखूँगी क्योंकि गर्मी हो रही है, और 12:30 बजे से लगे लगे ये टाइम हो जाता है, आज खाना वगैरह भी नहीं खाया ना बच्चों ने खाया, तो बस अपनी ज्वेलरी वगैरह उतारूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस दिखा रही थी थोड़ा सा कि इसमें भी दिखा देती हूँ। और जो ज़्यादा सारा सामान फैला हुआ है घर में मेकअप का, इतनी जगह तो है नहीं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो बस मैंने वहीं किया हुआ था,
कान के इयररिंग उतार दी, कान इतना दुख रहे थे मुझे, इतना रिलैक्स मिला मुझे उतार के। और टीका वगैरह भी बस पहन तो लेते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए चल जाता है। अभी तो खैर मैं ऐसे ही कर रही थी, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इस तरीके से तैयार होके कहीं बाहर जाना पड़ा तो अल्लाह बस जान पे बन जाएगी। यही है, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं घर में जितना भी आता है। तो गाइस ज़रूर लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं टीका वगैरह उतार रही हूँ अपना यहाँ से, क्योंकि बाल फिर बहुत सारी पिनें लगानी पड़ती हैं। तो ये निकल चुका है गाइस, लग रही हूँ ना भूतनी। देखिए कैसा हाल हो जाता है उसके बाद। यहाँ मैं अपनी नकली फॉल्सेस उतार रही हूँ, और इनको थोड़े से गुनगुने पानी में डाल दूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए, हल्का सा उसमें शैम्पू डाल के। 12:30 बजे मैं लगी थी, और उस टाइम 4:15 हो रहे हैं। बस अब चाय वगैरह पीऊँगी, और दोपहर का खाना भी नहीं खाया मैंने। ये देखिए कान कितना दुख रहा है, मैंने जो मैंने गोल्ड का पहना हुआ उसके अंदर ही डाल लिया था ये। पहले चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद अपना लिया सही करूँगी, क्योंकि बाद में ही देखा जाएगा जो भी होगा। अभी मैं फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, चार्जर लगा हुआ है, तो मैं इतने चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद अपना फेस वेस धोती हूँ। अमीषा को भी भूख लग रही है, तो गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, बाय बाय। गाइस मैं अब चेंज करती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय पीने के लिए बहुत मन कर रहा, खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने, बाय बाय। तो गाइस यहाँ चाय बन चुकी है, 4:30 बज रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, और जो पापड़ बनाए हैं वो रमज़ान वाले ही पापड़ हैं। आप लोगों के साथ शेयर की थी इनकी रेसिपी, मैं जैसे बनाए थे, तो ये 2 दिन में ही सूख जाते हैं, घर के चावल से ही बनाए हैं मैंने। और इस टाइम हम हंस रहे हैं सारे, ये मुझे छेड़ रहे हैं, कह रहे पूरे मेकअप में भूतनी बन के बैठी है, पहले फेस को धोकर आओ। तो मैंने कहा नहीं, पहले खाना खाऊँगी, पेट पूजा करूँगी, उसके बाद मुझे मुँह धोना है। तो ईशा कह रही है पापा देखो मम्मा भूत बनी हुई है। बस ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। ये तो मैं इनसे बोल रही हूँ, ईशा से, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ईशा खा लो बस कुछ नहीं है, पेट भर लो, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, बस यही होता है। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो ईशा मुझसे बोल रही है ना पापड़ का पूछा आपने ना चाय का पूछा, आप खुद ही खुद खा रहे हो, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आ जाइए चाय पी लीजिए और खा लीजिए, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चाय हम लोगों ने पी ली है, पानी मत पियो चाय के ऊपर, पानी पी लिए चाय के ऊपर, चला खराब हो जाएगा, हटो। ये आटा मैंने छान लिया है, बस आटा गूंदना है, और सब्जी सुबह बनाई थी वो ही रखी है। तो सब्जी मैंने शिमला मिर्च बनाई थी, और अभी पापड़ फ्राई कर रहे थे तो उसका तेल रखा हुआ है। पापड़ वही है जो घर बनाए थे, वही चल रहे हैं, बर्तन थोड़े से अभी धोऊंगी बस। आइए बाहर का वेदर दिखाती हूँ मैं आपको, इतना अच्छा हो रहा, बारिश आ रही है, ये देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको, दिखाती कितना अच्छा वेदर हो रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि गर्मी इतनी हो रही थी, देखिए बारिश बहुत तेज आ रही है। छत पे तो जाऊंगी नहीं, यहीं से दिखाया है मैंने आपको, मैं अब उतर रही हूँ सीढ़ियाँ, और बाहर की लाइट ख़राब हो गई है, रोज़ बस याद नहीं रहती है। ये देखिए झूमर चल रहा है, झूमर की लाइट जला रखी है इसकी हमने, ये मैं बंद कर देती हूँ, मैं किचन की बंद कर देती हूँ, और एग्जॉस्ट फैन बंद कर दिया मैंने, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है आज। ईशा बेल्ट दिखाओ, मैं सिकाई कर लेती हूँ, उसके बाद आटा वगैरह लगाना है। ये बेल्ट है, आज मैं सुबह से ही लग रही थी, 12:30 बजे से पहले सुबह से घर का काम किया था, उसके बाद फिर वीडियो बनाई थी अपनी मेकअप की। तो अब थोड़ा सा ये इसका बटन है, देखिए लाइट जल रही है, लाइट जल जाती है तो समझो ऑन हो जाती है, और अभी गर्म हो जाएगी,
बस इसी से सिकाई करूँगी कमर की। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय थोड़ी देर बाद। तो गाइस रात हो गई है 10:30 बज रहे हैं और मैंने आटा गूंद के रोटी बना ली थी, वो मैं नहीं दिखा पाई थी। और यहाँ ईशा का ये खेल चल रहा है, इसने वीडियो ये अपना आप ही बनाई है अपनी, पता नहीं क्या क्या बना रखा, झाड़ू बना रखी है इस पे कि छोटी सी डोल बिठा रखी है कि ये उड़ती है मेरी डोल झाड़ू पे। बच्चों का तो मन ही अलग होता है, बच्ची अकेली ही खेलती रहती है, अपना आप ही बनाती रहती है, रोज़ वीडियो बनाती है, रोज़ मैं डिलीट कर देती हूँ। बोल रही थी मम्मा मेरी तो आप डालते नहीं हो, और ये जो डोल है इसके जो ये बाल लगाएं ऊन होती है ना जिससे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो उसी को काट कर इसने एक गम से चिपकाए हैं इसने और इसके डैडी ने। तो ये देखिए बेचारी अकेली खेल रही है, देखो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है कैमरा और एक हाथ से इसने डोल वगैरह ये तकिया वगैरह बना रखा है इसका, एक डब्बा लिया हुआ है जिसमें इसके कपड़े वगैरह आते हैं और पूरा उसमें घर का सेट बना रखा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको जमा करती रहती है और इनसे ही खेलती रहती है। तो गाइज यही था आज का वीडियो, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ, घर का खाना वगैरह बस यही था। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।